देश की राजधानी दिल्ली से भी ओडिशा के कालाहांडी जैसी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक शख्स अपनी पत्नी की लाश को लेकर सड़कों पर 5 घंटे तक भटकता रहा, लेकिन उसकी पत्नी की लाश को कहीं जगह नहीं मिली। दरअसल छोटे लाल नाम के इस शख्स की पत्नी अंजू चिकनगुनिया की बीमारी से पीड़ित थी और पूर्वी दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल में भर्ती थी, जहां डॉक्टर अंजू को बीमारी से नहीं बचा पाए। इसके बाद छोटे लाल शव को कड़कड़डूमा स्थित अपने किराए के मकान में ले गया। छोटे लाल ने आरोप लगाया है कि उसके मकान मालिक और वहां अन्य लोगों ने उसकी पत्नी की लाश को घर में रखने से मना कर दिया, जिसके बाद वो वापस एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गया। जिसके बाद वो शव वापस एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले गया और 5 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर भटकता रहा, लेकिन शव को कोई जगह नहीं मिली और बाद में पुलिस के दखल के बाद पड़ोसी के घर में शव को रखा जा सका। वहीं छोटे लाल के आरोपों के जवाब में मकान मालिक का कहना है कि छोटे लाल के पास अपनी पत्नी की मौत के कोई ऐसे कागजात नहीं थे जिससे लगे कि उसकी मौत बीमारी से हुई है, जिस कारण उन्होंने उसकी लाश को मॉर्चरी में रखवाने के लिए 2000 रुपये छोटे लाल को दिए थे और साथ में संस्कार करने की जिम्मेदारी भी ली थी। पहले ओडिशा और अब दिल्ली से सामने आई ये तस्वीरें मानवता को शर्मसार करने वाली है। ये तस्वीरें सवाल पूछती है कि आखिर कहाँ है इंसानियत। देखते रहिए डीबी लाइव।